दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023-24 या कहिए असेसमेंट ईयर 2024-25 के आईटीआर की फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स हैं उनमें काफी बड़ा बदलाव किया गया है और ये चेंज क्या किया गया है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों जो लोग भी पैसा कमाते हैं या जिनकी इनकम होती है उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। आप अगर टैक्स पे करने के लिए लाइबल हैं तो आपको अपना टैक्स पे करना पड़ता है, नहीं तो आप अपनी नील आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक आपने जो भी पैसा कमाया है उसके इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग शुरू हो जाती है अप्रैल 2024 में। अब ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग अप्रैल में शुरू हो गई, लेकिन इसके लास्ट डेट भी होती है इसको फाइल करने की, एक जिस डेट से पहले पहले आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। तो जानेंगे ये फाइल करने का पुराना रूल क्या था पहले और अब उसमें बदलाव करके नया रूल क्या कर दिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फिनोटेक के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आइए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पुराना रूल क्या था, यानी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की पुरानी डेट्स क्या हुआ करती थी, उसके बाद देखेंगे कि चेंज करके इन डेट्स में क्या बदलाव किया गया है। तो देखिए आज के टाइम पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, पहला होता है ओल्ड रिजीम का और दूसरा होता है न्यू रिजीम का। ये बात मैं समझता हूँ कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको सभी को मैक्सिमम पता ही होगी। तो देखिए ओल्ड रिजीम में ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम डेट होती है, लास्ट डेट होती है 31 जुलाई और सेम न्यू रिजीम में भी ये डेट 31 जुलाई ही होती है, यानी कि अप्रैल से शुरू हो जाती है और 31 जुलाई तक आप अपनी जो ओरिजिनल आईटीआर है वो बिना किसी लेट फीस के फाइल कर सकते हैं, अपना टैक्स पे कर सकते हैं और अगर आपका टैक्स नहीं भी बनता तो आप नील आईटीआर फाइल कर सकते हैं ओल्ड रिजीम में भी और न्यू रिजीम में भी। अब बात करते हैं बिलेटेड आईटीआर की। तो बिलेटेड आईटीआर जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जब लेट हो गई आप 31 जुलाई तक नहीं भर पाए तो उसके बाद भरने का आपके पास एक ऑप्शन रहता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का विद लेट फीस, यानी कि आप ड्यू डेट से लेट हो गए फाइल करने में तो अब आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। अब इस कंडीशन में आपके पास डेट होती है 31 दिसंबर तक की, आप 31 दिसंबर तक लेट फीस पे करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और दोनों रिजीम में ही आप 31 दिसंबर तक अपना आईटीआर फाइल कर सकते थे बिलेटेड आईटीआर। इसमें क्या कंडीशन होती थी कि अगर आपकी इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार 2.5 लाख रुपए तक है तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती थी और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक होती थी तो आपके ऊपर 1000 रुपए की लेट फीस लगती थी और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा होती थी तो आपके ऊपर 5000 रुपए की लेट फीस लगती थी और आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते थे बिलेटेड आईटीआर। 31 दिसंबर के बाद आप किसी भी हालत में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। एक ऑप्शन आपके पास उसके बाद बचता था आईटीआर यू का, लेकिन उसमें आप अपना रिफंड कभी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपका टैक्स बनता है तो आप अपना टैक्स पे करने के लिए आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिवाइज्ड आईटीआर की, यानी कि आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करी थी 31 जुलाई से पहले उसमें आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई तो आप उसको 31 दिसंबर से पहले पहले रिवाइज कर सकते थे, यानी अपनी गलती को सुधार सकते थे। रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करते टाइम आपको कोई भी लेट फीस या पेनल्टी नहीं देनी होती थी और ये ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में सेम रूल थे पहले के टाइम में। अब हम बात कर लेते हैं नए रूल की कि इन डेट्स में क्या बदलाव किए गए हैं। तो देखिए ओरिजिनल आईटीआर कोई भी चेंज नहीं किया गया है, आप 31 जुलाई तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों के अंतर्गत। बात करें अगर रिवाइज्ड आईटीआर की तो रिवाइज्ड आईटीआर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, 31 दिसंबर तक की डेट आपके पास अभी भी अवेलेबल है। आप अगर अपनी आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं, चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत आपने भरा हो चाहे न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत आपने अपना आईटीआर फाइल किया हो, 31 दिसंबर तक आप अभी भी रिवाइज कर सकते हैं दोनों रिजीम में। और अब बात करते हैं बिलेटेड आईटीआर की कि अगर आप अपना टाइम पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो देखिए न्यू रिजीम में अभी भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, आप अभी भी न्यू रिजीम में अपना बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक आप अभी भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं न्यू रिजीम में अपने जो भी लेट फीस बनती है उसको पे करके, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में अब आपको बिलेटेड आईटीआर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न
31 जुलाई से पहले पहले ही फाइल करनी है ओरिजिनल। उसको रिवाइज आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 31 जुलाई तक उसको फाइल नहीं किया तो उसको आप अब फाइल ही नहीं कर पाएंगे। बिलेटेड का ऑप्शन यहाँ से ओल्ड रिजिम से हटा दिया गया है, तो आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करना है तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न इस साल 31 जुलाई से पहले पहले फाइल जरूर कर लें। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर यह सोचते थे कि अगर उनकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक होती थी तो वो सोचते थे कि 2.5 लाख रुपए पर तो बिलेटेड आईटीआर में भी कोई पेनल्टी नहीं लगती है, तो वो सोचते थे कि बाद में भी फाइल कर लेंगे। लेकिन अब ये ऑप्शन उनको नहीं मिलने वाला है। आपको चाहे आपकी कितनी भी इनकम हो, आपने अगर ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको 31 जुलाई से पहले पहले ही अपना रिटर्न फाइल करना होगा, वरना उसके बाद आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। और ये ऑप्शन ओल्ड टैक्स रिजीम से बिलेटेड आईटीआर का क्यों हटाया गया है, आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, सरकार ने मैक्सिमम लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्यू टैक्स रिजीम में भेजने की प्लानिंग कर ली है। सरकार चाहती है कि जो मैक्सिमम लोग हैं, देखिए, वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करें। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल करते हैं तो आपके सामने बाय डिफॉल्ट भी ऑप्शन आता है, वो भी न्यू टैक्स रिजीम का ही आता है। तो अगर आपने फाइल करते समय थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो आपका न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल हो जाएगा। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो आपको उसको मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ता है। और अगर आपकी कोई इनकम बिजनेस से हो रही है, यानी आपकी अगर बिजनेस इनकम है, तब तो आपको लाइफ टाइम सिर्फ एक ही बार न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने का ऑप्शन मिलता है। आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। जो लोग सैलरी से इनकम होती है जिनकी, उनके पास फिर भी ऑप्शन होता है कि उनको हर बार हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम उनके सामने ऑप्शन होता है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं। अब अगर आप इस कंफ्यूजन में है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना चाहिए या न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना चाहिए, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे हमारा आपको नंबर भी मिलेगा, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर करेंगे। और अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो भी आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको आगे मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्दी किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।